सुबह 4 बजे उठना है तो उठना है, अलार्म बज रहा है साला बजने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, नहीं उठेंगे बाद में अलग बात है, लेकिन नहीं कसम खा के सोए हैं रात में, 4 बजे उठेंगे, 4 AM वेकअप, खतरनाक वाला मतलब, ठीक है। फिर उसके बाद 5 AM जो है यहाँ पर एकदम फ्रेश व्रेश होके, 6 AM से वोकैबुलरी, पहले ही तुम्हारा गड़बड़ है, यहाँ 2 घंटा तो तुम ऐसे ही वेस्ट कर दिया। अगर 4 बजे तुम उठ चुके हो तो ठंडी के समय में कौन सा तुमको नहाना है कि तुम 6 बजे यहाँ वोकैब पढ़ने जा रहे हो, इससे बढ़िया तो तुम 5:30 में उठ जाते, आधा घंटा में फ्रेश होकर 6 बजे से पढ़ना शुरू कर दे। बहुत बड़े प्लान के साथ कभी शुरुआत मत करिए, छोटे प्लान्स बनाइए, उनको सक्सेसफुल करिए, धीरे 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 उन्हें बड़े प्लान्स में लेके जाइए। जैसे मानो 6 बजे उठ गए अपना, सपोज करो 6 बजे नहीं उठा जाता, मान लो आप 7 बजे से उठे, 8 बजे से भाई पढ़ना शुरू किया, ठीक है। अब एक बात बताओ, 8 बजे से सबसे पहला शुरू किया तो 8 बजे से क्या उचित लगता है आपको, क्या पढ़ना चाहिए, खुद की मेहनत करना है एक तरीके से, या सबसे पहले मैथ उठाना शुरू करोगे? नहीं, सुबह मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर, ठीक है, कि दिमाग उस समय कई ज़्यादा एक्टिव होता है, कुछ भरा नहीं होता, भरा नहीं होता तो इस समय पे क्या करोगे, वोकैबुलरी पढ़ लो, करंट अफेयर पढ़ लो, या अगर बहुत ज़्यादा सुस्त हो, एकदम लेजी ऐसे पढ़े हुए लाइब्रेरी में, ठीक है उठा दिए, तो अगर उठा दिए तो भाई मौक दो ना, फिर तुम्हें पता है नींद आ रहा है। अब यहाँ पर क्या होता है, इसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मान लीजिए किसी ने कह दिया कि 8 सुनो तो वोकैबुलरी ही पढ़ना चाहिए, अब उसमें कसम खा लिया आप नई वोकैबुलरी पढ़ेंगे, अब मान लीजिए कि आप जिस टीचर से पढ़ रहे हैं उस टीचर का ये आपका वोकैबुलरी का शीट हो गया, और एकदम ऐसे है ना भी कुर्सी में लगा नहीं सकता, एकदम कुर्सी में ऐसे करके, ठीक है, एसिड्यूस, एसिड्यूस का मतलब होता है मेहनती, ठीक है, आधे घंटे से तुम एक ही शब्द को देखे जा रहे हो, पता नहीं क्या देख रहे हो, मतलब कोई फिगर होता बढ़िया सा, कुछ और चित्र होता तो समझ में भी आता कि हाँ मजा आ रहा है, कोई फेसबुक के रील्स होते तो समझ में भी आता है, आधे घंटे में पता नहीं तुम उसमें हड़प्पा सभ्यता खोज रहे हो या उसके अंदर क्या खोज रहे हो, भगवान जाने तुम ही जानो, ठीक है। 4 महीने से तुम वो कैब पढ़े हो, तुम 4 साल से वो कैब पढ़े हो, जब भी 1000 वर्ड याद नहीं हुआ ना, 2 साल तैयारी करते हो गया, 1000 वर्ड कभी याद नहीं हो पाए ना, होगा भी नहीं कभी, यही रवैया रहा तो भाई, जब सुबह में एक्टिव नहीं था दिमाग तो क्या जरूरत थी वो कैब उठाने की, मौक दे देते, औकात का पता चल जाता, कुछ नंबर जब तुम्हारे कट जाते, जब तुम्हें दिखता कि हाँ इंग्लिश में तुम्हारे सारे वोकैबुलरी गलत हो गए, तब तुम दोबारा से पढ़ने जाते। तो यहाँ पर वही चीज़ें हैं जो आप सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, तो कभी भी शेड्यूल में फ्लेक्सिबल रहा पर है ना, बड़ा आराम से रहने का कोशिश किया करो यार। यार देखो वीडियो अच्छी लगती है ना तो लाइक ज़रूर किया करो यार, आप लोगों के लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलती है, बहुत हिम्मत मिलती है और पढ़ाने की और अच्छा करने की और बढ़िया कंटेंट लेकर आने की, और साथ में वीडियो को हर जगह पर शेयर भी किया करो।